देखो बच्चों, आज मैं प्रकाश का विवर्तन समझा रहा हूं। प्रकाश का कोनों से टकराकर डार्क क्षेत्र में पहुंचना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। और इसके कारण भी दीप्त एवं अदीप्त बनती इसमें प्रकाश केवल एक आता। देखिए, ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये है। तो अब प्रकाश यहां पर आ रहा है, ठीक है, और आके क्या होता है, कायदे से ये कितने एरिया में जाना चाहिए, केवल इतने एरिया में जाना चाहिए था, ठीक है। ये यहां पे इतनी स्लिट है, इतने एरिया में आना चाहिए, लेकिन प्रकाश इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो कॉर्नर से या तीक्ष्ण कोणों से टकराकर प्रकाश का डार्क एरिया में भी पहुंचना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, और इससे भी व्यतिकरण फ्रिंज बनती है, ठीक है। इसे विवर्तन फ्रिंजों का नाम दिया जाता है। तो फिजिक्स में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, गति करंट एवं विवर्तन में अंतर। ये देखिए आप यहां पर, इन अंतर को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये यहां पर आपके पास गति करण है और ये आपका विवर्तन है, ठीक। तो मेरे पास अगर मैं व्यतिकरण ले लूं तो दो कला संबद्ध स्रोत होते हैं जिनके जिनके निकलने वाले विकिरण तरंगों के अध्यारोपण के कारण
व्यतिकरण की घटना होती है। तो व्यतिकरण में मैंने आपको तो बताया था, ये एक सोर्स लेते हैं, इसके सामने हम दो पर्दे रख देते हैं, एक कार्डबोर्ड रख देते हैं, उसमें होल कर देते हैं, तो S1 और S2 दो कला संबंध सोर्स यहाँ पर बन जाते हैं, और फिर यहाँ से प्रकाश की तरंगें निकलती हैं और व्यतिकरण फ्रिंज यहाँ पर बनता है। और व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण में प्रकाश की तरंगें एक ही स्रोत से आती है और डार्क क्षेत्र में अध्यारोपित, डार्क क्षेत्र में अपने कोनों के कारण टकराकर पहुंचती है। देखिए इसमें क्या होता है, आपके पास प्रकाश एक ही स्रोत से आता है और ये यहाँ पर डार्क क्षेत्र में भी पहुँचता है और अध्यारोपित होता है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रतीक दो स्रोत होते हैं और प्रतिकरण ये हो गया विवर्तन। प्रतिकरण में मेरे पास दो स्रोत होते हैं और इसमें एक ही होता है। दूसरा अंतर यहां पर देखिए, व्यतिकरण में, व्यतिकरण में सभी दृश्य फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, समान होती है और सभी डार्क फ्रिंज की तीव्रता समान होती समान होती है। यानी इसमें जो अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क ब्राइट फ्रिंज बनती हैं, उनकी तीव्रता सारे ब्राइट की तीव्रता एक समान होती है और सारे डार्क की तीव्रता एक समान होती है। और इसमें क्या हो जाता है, हमारे पास तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज की अधिकतम होती है, फिर
जाती तो पहले तीव्रता अधिकतम होती है, फिर तीव्रता कैसे हो जाती है, ठीक है, क्रमशः गिरती जाती है। नंबर थर्ड देखिए आप, हो गया गति करण, हो गया विवर्तन, ठीक है। तो नंबर थर्ड, इसमें सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, समान देखिए विवर्तन में क्या होता है, जो सेंट्रल या केंद्रीय फ्रिंज होती है वो तो डबल होती है, बाकी की चौड़ाई कम होती है लेकिन इक्वल होती है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि इसमें ये फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं होती है इसमें। अच्छा, कंट्रास्ट मिलता है, यानी डार्क ब्राइट डार्क के बीच में एक अच्छा सेपरेशन होता है, इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता तथा कभी कभी ये एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। इसमें जो कलर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे सेपरेट नहीं होते, कभी कभी ये क्या करते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और मिक्स हो जाते हैं, अर्थात इसमें अच्छा कंट्रास्ट नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा।